बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 पाकिस्तानियों को या 7 पाकिस्तानियों को या 11 पाकिस्तानियों को भाई मार दिया, कत्ल कर दिया गया है जद्दा में। कुछ लोग बोल रहे हैं मदीना अल मुनवरा में, कुछ बोल रहे हैं जिजान में। मैं आपको ना ये सबसे पहले भाइयों के मैसेज सुनाना चाहूँगा और फिर इसके ऊपर नज़र करेंगे। मैं आपको साथ में कुछ पिक्चर वगैरह ब्लर करके दिखाऊँगा भाई। वीडियो तो यकीन माने मैं खुद से नहीं पूरी देख सका। मैंने इसके मतलब एक पहले भी वीडियो शेयर की थी, वो वाक्य कहाँ पर पेश आया वो भी आपको बता देता हूँ मैं। लेकिन ये जो सऊदी अरेबिया में वाक्य पेश आया, इसमें कितनी सदाकत है, क्या मामलात हैं और ये कहाँ पर वाक्य पेश आया। सबसे पहले ये भाइयों की तरफ से जो मुझे मैसेज किए गए और साथ में वीडियो भेजी जा रही हैं वो आपको सुनाना चाहूँगा। एक दो मैसेज सुना देता हूँ आपको, मैं सुन लें उसके बाद हम इसके मतलब बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है सर? एक अभी खबर आई है, मेरा दोस्त एक मदीने में, उसने वीडियो भेजी है, पता नहीं किससे, आपको मालूम होगा कि कल रात को 9 पाकिस्तानियों को मारा है एक रूम में सूडानियों ने, तो आपको इस बारे में कोई मालूम है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई इरफान साहब, ये वीडियो जो थले आप की लिखा गया यार, मैंने दसी यार, ठीक है ना, माशाल्लाह यार चंगा किया कुछ करके वीडियो, ये जद्दे शहर दी वीडियो है, ठीक है ना, ये तूपिया ने जुल्म किया लागे मुंडिया ने मैसेज होर भी आया, मेरा मैं सेंड करता थोड़े, बड़ा जुल्म किया जी। सबसे पहले तो आपने ये भाइयों के अच्छा व्हाट्सअप नंबर मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में दिखाता रहता हूँ, भाई मुझसे रब्ता कर लेते हैं, कोई भी मसला मसाइल हो या कोई भी किसी किस्म की ऐसी वीडियो या कोई न्यूज़ सुने तो मुझे व्हाट्सअप के ऊपर भेजते हैं। उससे यार होता क्या है, मुझे भी पता चलता है खबरों का आपके थ्रू, और आप भाइयों के साथ हम कोशिश करते हैं कि उस न्यूज़ का, उस वीडियो का भाई जो पूरा रिजल्ट है ना वो आपके साथ शेयर कर सकें। अच्छा, ये मदीना अल मुनव्वरा में एक भाई ने बोला, दूसरे ने बोला ये जद्दा में वाक़ पेशा है। मेरे पास ऐसे बंदे जजान वो बोल रहे हैं जी खमीस की तरफ से ये वाक़ पेशा है, एक भाई बोल रहा है तुर्कियों की तरफ से ये भाई मामलत किए गए हैं जो पाकिस्तानियों को बेरहमी से कत्ल किया गया है, और उसके बाद एक बोल रहा है जी कि ये सूडानियों की तरफ से बाकायदा और उनकी तरफ से। सबसे पहले आपको मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ये बताऊँगा कि सूडानी जो है ना, मैं जितनी देर सऊदी में रह चुका हूँ, पाकिस्तानी भाई बहुत अच्छे हैं, सूडानी जो है ना उनसे अच्छा मैंने बंदा नहीं देखा है, यकीन माने। और बहरहाल जी इस न्यूज़ के मतलब सऊदी अरेबिया में रहने वाले तमाम मेरे पाकिस्तानी भाई, चाहे इंडियन चाहे कोई बंगाली हैं, यार आप परेशान मत हो, मत टेंशन लें, कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं है। सऊदी अरेबिया में मामलात हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, भाई टेंशन मत लें। ये जो न्यूज़ है ये ईरान में वाक़ पेश है, जहाँ पर एक रूम में पाकिस्तानियों को खड़ा करके फायरिंग करके कत्ल किया गया है। 13 पाकिस्तानी थे टोटल, उनमें से एक वाशरूम गया हुआ था वो बच गया, बाकी 9 मौके पर जाम बहक हो गए हैं, 2 की कंडीशन सीरियस है अभी भी और 1 की कंडीशन कुछ बेहतर है। इनकी तादाद में इजाफा हो सकता है, कमी नहीं हो सकती है, ये कन्फर्म है। ये वाकया भाई ईरान में पेश आया था, बिल्कुल 9 पाकिस्तानियों को कत्ल किया गया है, लेकिन ये ईरान में वाकया पेश आया है और ये सऊदीया की खबर इसके मतलब कोई भी सदाकत नहीं रखती है। अगर कोई बंदा आपके साथ शेयर कर रहा है तो उसको बोलें भाई अल्लाह का नाम ले, ये जो आप खौफ व हिरास फैला रहे हैं इसको मत फैलाएं।